Hey guys, hi, welcome back to my channel. This is me, Shiny. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आप घर पर हेयर स्ट्रेटनिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके, ताकि आपके हेयर में कोई केमिकल्स भी आप इस्तेमाल ना करें और आपको स्ट्रेट हेयर भी मिले. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करूंगी सारे ही एल्प्स गुडनेस के हैं. एज यू कैन सी कि मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं. ये कोई आयरनिंग मैंने नहीं किया है या फिर मैंने पार्लर जाकर ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम जैसे पार्लर वाला स्ट्रेट है वैसा भी नहीं है, बट मेरे हेयर में कोई वेव भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट ही दिख रहे हैं. सो आई एम जस्ट लविंग द इफेक्ट ऑफ इट. सो मैं आप लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों का कंडीशन कितनी बुरी हालत है. मैंने एक एग लिया है. आप चाहे तो आप दही ऐड कर सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन है तो एग की जगह आप दही लीजिए. उसके बाद मैंने एल्प्स गुडनेस का ब्रिंगराज पाउडर इस्तेमाल किया है. ब्रिंगराज बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए. एंड उसके बाद मैंने हिबिस्कस पाउडर ऐड किया है. हिबिस्कस आप सबको पता है कि वो हेयर फॉल को रोकता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, तो इसीलिए मैंने हिबिस्कस पाउडर इस्तेमाल किया है. एंड उसके बाद मैंने एल्प्स गुडनेस का ही रीठा सूट पाउडर इस्तेमाल किया है. रीठा हेयर्स को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा है. ये आपके स्कैल्प को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, डैंड्रफ और इचिनेस की प्रॉब्लम को भी दूर करता है. फिर मैंने आर्गन हेयर ऑयल मिक्स किया है. ये है वाओ स्किन साइंस का. एंड गाइस, ये जो हेयर ऑयल है ये बहुत ही अच्छा है. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छा है. उसके साथ साथ ये बहुत ही लाइट वेट है. मुझे लगा था कि थोड़ा सा हिबिस्कस पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मुझे चाहिए, इसलिए मैंने हिबिस्कस ऐड किया है, मंजिस्टा पाउडर भी ऐड किया है एंड इंडिगो पाउडर ऐड किया है. ये सारे हेयर पाउडर्स ही एल्प्स गुडनेस के हैं. उनके सारे पाउडर्स ही बिल्कुल नेचुरल है. एंड इंडिगो पाउडर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर बाय द वे. इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कीजिए एंड उसके बाद ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए. इस हेयर पैक को आप अपने बालों पर सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कीजिए, स्कैल्प पर पूरा अप्लाई कीजिए और अपने फुल लेंथ पर अप्लाई कीजिए. लेकिन हेयर को टाई मत कीजिए, बन भी मत बनाइए, क्लिप्स भी ऐड मत कीजिए. जस्ट ऐसे ही पूरे बालों पर अप्लाई करके ऐसे स्ट्रेटन जैसे करते हैं, मास्क जैसे अप्लाई करते हैं पार्लर्स में, वैसे अप्लाई करके आप इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए. तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको बालों को स्ट्रेट करके ही इसे अप्लाई करके रखना है. सो हेयर वॉश के बाद ये है रिजल्ट. आप लोग देख सकते हैं कि मेरे बाल जैसे पार्लर में यू नो पॉइंट स्ट्रेट है वैसा भी नहीं है. आप आयरनिंग करके जो स्ट्रेट आता है वैसा भी नहीं. ये कोई नेचुरल सा स्ट्रेट मुझे लग रहा है. सो ये वाला जो स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट रहता है ये आप जितनी देर तक वॉश नहीं करेंगे, आपके बालों पर आप पसीना या फिर आप पानी नहीं लगाएंगे उतनी देर तक ये स्ट्रेट रहता है. एंड आप अगर बालों को टाई करके सोते हैं रात में तो थोड़ा सा वेवीनेस तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये आप नेचुरली स्ट्रेट कर रहे हैं. आप कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं. जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे ही बहुत ही अच्छे हैं आपके बालों के लिए, आपके बालों के हेल्थ के लिए. एंड उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटनिंग का भी इफेक्ट मिल रहा है. मैंने अपने बालों पर कोई कंडीशनर या फिर सीरम इस्तेमाल नहीं किया है ये देखने के लिए कितना सॉफ्ट होता है मेरे बाल या कितना हेल्दी लुकिंग होता है. सो आप चाहे तो कंडीशनर सीरम इस्तेमाल कर सकते हो, उससे जो इफेक्ट है वो और भी अच्छा लगेगा. मेरे बाल थोड़ा सा फ्रिजी भी दिख रहे हैं एज बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड एनी कंडीशनर या सीरम. यू कैन सी कि नीचे से भी मेरे बाल काफी स्ट्रेट दिख रहे हैं. सो ये जो नीचे का पोर्शन है यू गाइस कैन सी कि पूरा जो स्ट्रेटनिंग करने के बाद जो इफेक्ट है वैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रेट है. सो इसका जो इफेक्ट है वो मुझे काफी अच्छा लगा. नीचे से भी बाल काफी हद तक स्ट्रेट है एंड मैनेजेबल है. ये वाला हेयर मास्क आप वीक में एक बार जरूर अप्लाई कीजिए. इससे बालों का जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे स्ट्रेट एंड स्मूथ होता जाएगा. जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद से परचेज किया है सारे प्रोडक्ट्स. होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज मैं हर रोज वीडियोज अपलोड करती हूँ. Stay blessed, stay happy. Love you all and bye-bye.